अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये घर है 10 मरला का, कॉर्नर का घर है, DHFA 3 की प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन देखें, इसका मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। इटालियन एंड स्पेनिश टाइल जो है वो इस घर में इंस्टॉल्ड है। और फ्लोर प्लान की अगर हम इस घर की बात करें तो ये फुल बेसमेंट के साथ है और 5 बेडरूम है इसमें, 6 बाथरूम है और हर बेडरूम में एक LCD इंस्टॉल है। आप कह सकते हैं कि सेमी फर्निश ये घर है। और इस घर का जो मेन फीचर है वो ये कि इस घर के बेसमेंट में एक सिनेमा है। ये इसका आउटर कोर्ट यार्ड है। आउटर कोर्ट यार्ड में डिफरेंट प्लांट्स, पाम ट्रीज और ग्रास का बहुत ही खूबसूरती से उसको लगाया गया है। ये आप देखें इस साइड से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें DHA के बायलॉज के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी फेंस इसमें इंस्टॉल्ड है, यू कैन सी। और सिक्योरिटी कैमराज जो है वो इस घर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आगे बढ़ेंगे तो घर में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो इस साइड के ऊपर घर में ये इस साइड पे देखें तो ये प्लांट्स बहुत ही खूबसूरती से आर्टिफिशियल ग्रास इस वॉल के ऊपर। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये 2 से 3 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। तकरीबन एक कनाल के घर में इतनी ही पार्किंग स्पेस होती है। इधर से अगर हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ें तो सामने एंटर होंगे तो इस घर की ये डबल हाइट लॉबी है। इधर से ये इसका डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया में एंटर होंगे तो इसका जो फ्लोर प्लान है बेसिकली वुडन फ्लोर है। AC जो है वो बेसिकली इसमें इन्वर्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है स्पेनिश डिज़ाइन में, इसके ऊपर वॉलपेपर। और ये इसका बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर, LED लाइट्स इस घर में इंस्टॉल्ड है। और ये एक आर्टिफिशियल प्लांट, ये आपका ड्राइंग एरिया है। 12 फीट की जो है वो बिग इसमें एक विंडो इंस्टॉल है जिससे आप जो है इनर कोर्ट यार्ड यहाँ से बैठ के भी देख सकते हैं। ये इसकी फायर प्लेस है और ये अगेन इसका डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया में भी AC इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है। और ये इसका शैंडलियर। आगे बढ़ेंगे तो इस घर में ये इसका पाउडर रूम है। पाउडर रूम में वॉल हैंग कमोड, इटालियन टाइल और सिंगल वैनिटी विद मिरर। और जैसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये आर्टिफिशियल प्लांट। और इसका ये जो मेन डोर है इसमें बेसिकली मिरर जो है वो और वुड का इस्तेमाल। जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये इस घर का टीवी लाउंज एरिया है। टीवी लाउंज एरिया में LCD इंस्टॉल्ड है सैमसंग की। और इसकी जो मेन मीडिया वॉल है इसके ऊपर वुड जो है उसके साथ उसको डिज़ाइन किया गया है। ये इसकी फायर प्लेस है, साथ आर्टिफिशियल प्लांट। ये इसकी मेन विंडो और इधर भी आर्टिफिशियल प्लांट। और ये इसमें एक बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर। इधर से आगे बढ़ेंगे तो ये इस घर का मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में जैसे ही आप एंटर होंगे तो इसकी मीडियम वॉल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पैडिंग की गई है। और इसका जो कलर बेसिकली रखा गया है वो कलर बहुत खूबसूरत है। अगर इसकी हम फ्लोरिंग की बात करें तो इसकी फ्लोरिंग प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग है, यू कैन सी। और इसके मास्टर बेडरूम में भी एक LCD इंस्टॉल्ड है सैमसंग की। बेलविन के इसमें अगेन फैन जो है वो लगे, DC इन्वर्टर इसमें भी इंस्टॉल्ड है। आगे बढ़ेंगे तो ये इस घर का वॉशरूम है ग्राउंड का, जिसमें मेन फीचर ये है कि यहाँ पे जकूजी है, यू कैन सी। स्पेनिश एंड इटालियन टाइल यूज, वॉल हैंग कमोड, शावर एरिया। और इस साइड पे सिंगल वैनिटी और ऊपर LED लाइट्स के साथ मिरर। और यहाँ पे कबर्ड्स एरिया। इधर से आगे बढ़ेंगे व्यूज, मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँगा इसके किचन में। किचन में जैसे ही एंटर होते हैं तो इसमें बहुत ही खूबसूरती से UV शीट का ये वाला जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत। आइजोन के इसमें बेसिकली माइक्रोवेव ओवन, सिग्नेचर का इसमें ओवन है।
और यूवी शीट के साथ ग्लास जो है वो बेसिकली इसके ऊपर लगे हुए हैं। इस साइड पे ये बर्नर और ये इसका एग्जॉस्ट। किचन बहुत खूबसूरत है, डिश वॉशर एरिया, यू कैन सी पूरे घर में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इसको खूबसूरती से बनाया गया है। ये इसका मेन डोर जिसकी हम बात कर रहे थे। यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम बेसमेंट में जाएंगे। बेसमेंट में बेसिकली एक सिनेमा है और यहाँ पे ग्रेनाइट का इस्तेमाल इसकी स्टेयर्स के ऊपर, आर्टिफिशियल प्लांट। बेसमेंट में बेसिकली इस घर में तीन किचन है, बहुत ही खूबसूरत। ये किचन कॉफी ब्लेंड के लिए, एक स्टोर रूम और ये इसका सिनेमा। सिनेमा में देखें तो अभी सीट्स जो है वो बेसिकली इंस्टॉल नहीं है। इस पैडिंग के पीछे एलईडी लाइट्स जो है वो लगेंगी और ये इसका आगे वॉशरूम एरिया है। वॉशरूम में देखें तो सिंगल वैनिटी, वॉल हैंग कमोड, शॉवर एरिया और यहाँ पे भी कबर्ड्स दिए गए हैं। ये देखें तीन किचन और इसमें बेसिकली जो थिएटर दिया गया है वो ओनग्यो का ब्रांडेड थिएटर बेसिकली दिया गया है। और ये घर जो है वो प्रॉपर इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई वो ब्रांड्स की ही चीज़ें यूज़ की गई हैं। 8 लोगों की प्रॉपर सिटिंग होगी इसमें। सीट्स जो है वो भी इंस्टॉल्ड होना बाकी है। ऑडियोनियो के स्पीकर हैं इसमें। इधर से हम जाएंगे अपर वाली पोर्शन की तरफ। ये इसका प्रोपोर्शन को कैसे जा रहा। इसी तरह जैसे ही इस घर में हम अपर पोर्शन में एंटर होंगे तो ये इसका प्रोपोर्शन है। साइड से देखें खूबसूरत शैंडलियर और आर्टिफिशियल प्लांट, बहुत ही खूबसूरत। और ये एक छोटा सा किचन जिसमें कॉफ़ी चाय आप बना सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। 3 बेडरूम है अपर वाले पोर्शन में। और अगर हम इस बेडरूम को देखें तो इसकी फ्लोरिंग जो है वो प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग है। इस साइड पे ये पैडिंग हुई हुई है। स्पेनिश एंड इटालियन टाइल यूज़ है इसके वॉशरूम में। डीसी इन्वर्टर जो है वो इसमें इंस्टॉल्ड है। और इस घर का मेन फीचर ये है कि हर बेडरूम में एक LCD इंस्टॉल्ड है, बहुत ही खूबसूरत। और ये इसका वॉशरूम है, बहुत ही खूबसूरत। वॉशरूम में देखें तो ये सिंगल वैनिटी है विद LED लाइट के साथ, इसका जो मिरर है। ये वॉल हैंग कमोड और दूसरी साइड पे ये इसका शॉवर एरिया। ये इसका एक बेडरूम है। और ये कुछ स्पेस लॉन्ड्री के लिए। आगे बढ़ेंगे तो ये इसका सेकंड बेडरूम है। आप घर देखें प्रॉपर मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर घर ये कंस्ट्रक्टेड है। इस साइड पे देखेंगे तो इसका फ्लोर जो है इसके ऊपर टाइल्स का इस्तेमाल है, 3x9 की इसमें टाइल यूज़ है। और ये वॉलपेपर इस वॉल के ऊपर। 10 मरला का ये सेकंड बेडरूम है अपर वाले पोर्शन में। इसमें भी AC इंस्टॉल्ड है, एक LCD इंस्टॉल्ड है सैमसंग की। और ये इसका अटैच वॉशरूम है। जैसे ही आप अटैच वॉशरूम में एंटर होंगे तो सिंगल वैनिटी है और वॉल हैंग कमोड है, इटालियन एंड स्पेनिश स्टाइल यूज। और इस साइड पे आपका शॉवर एरिया और ये कबर्ड्स। यू कैन क्लियरली सी
हाउ दिस ब्यूटीफुल हाउसेस। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका एक मास्टर बेडरूम, इसकी फ्लोरिंग जो है वो भी वुडन है और इसके ऊपर जो वॉलपेपर है ये टोटल स्पेनिश डिज़ाइन में लगाए गए हैं जो कि इस घर को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। इसमें भी प्रॉपर जो है वो एसी इंस्टॉल्ड है, इन्वर्टर, एंड इस साइड पे एलसीडी एज आई डिस्कस। और इस घर में मेन जो फीचर है वो ये भी है कि इसमें सारी सिक्योरिटी फीचर्स को रखा गया है, मद्देनज़र रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में एंटर होंगे स्पेनिश इटालियन टाइल, सिंगल वैनिटी विद मिरर। इस साइड पे ये कबर्ड्स एरिया, लेट मी चेक दिस, और ये आपका शॉवर एरिया, और इस साइड पे कमोड, वॉल हैंग कमोड। अभी आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इसका जो बारबेक्यू एरिया इस घर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये आपका बारबेक्यू एरिया है, ये आप देखें, आप इधर बैठ सकते हैं, शाम में बारबेक्यू कर सकते हैं। और इस साइड पे ये सिंथेटिक ग्रास का इस्तेमाल, और इसकी इस वॉल के ऊपर भी सिंथेटिक ग्रास। इधर से अगर आप व्यू देखें तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है बाहर से। और ये आपका टेरेस, ये यू कैन सी। अगर इस घर की हम डिमांड की बात करें तो इस घर की जो डिमांड है वो 7,75,00,000 7.75 करोड़ जो है वो इसकी आस्किंग है। बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ इस ये घर है, यू कैन सी।